उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में राज्यपाल की अनुमति के बाद दो सदस्यों की नियुक्ति 28 सितंबर को की गई। राज्यपाल की अनुमति के बाद मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने इनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। गौरतलब है कि इनकी नियुक्ति के बाद आयोग में सदस्यों की संख्या 7 होने के बावजूद भी अभी एक सदस्य की कमी है। आपको बता दें कि नव नियुक्त सदस्यों में प्रयागराज स्थित सृजन जनसेवा समिति और सृजन वात्सल्य हॉस्पिटल से जुड़ी डॉक्टर सविता अग्रवाल और देवरिया जिले के लार थाना के हरीश प्रताप सिंह हैं। इसके पहले 3 जुलाई को बीएचयू के प्रोफेसर आरएन त्रिपाठी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज्य विधि अधिकारी रहे कल्पराज सिंह और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य रहे किशन वीर सिंह को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड हिंदी पुरुष शाखा का परिणाम घोषित कर दिया है। 696 पदों पर 695 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। ओबीसी कोटे में 1 पद के लिए मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं महिला शाखा के 737 पदों का परिणाम अभी आना बाकी है। एलटी ग्रेड हिंदी के पुरुष वर्ग में महेंद्र कुमार शर्मा टॉपर रहे और सुनील कुमार दूसरे और ब्रजेश कुमार तीसरे स्थान पर रहे। आगामी 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी ने कहा कि परीक्षा टालना संभव नहीं है। आपको बता दें कि इसके पूर्व यह परीक्षा 13 मई को आयोजित होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों की जानकारी मांगा है। परीक्षा स्थगित करने की याचिका को लेकर यूपीएससी ने विरोध किया। यूपीएससी ने कहा बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से इस बारे में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए चयन बोर्ड के बाहर बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। भर्ती जल्द करवाने के लिए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर को प्रदेश व्यापी रोजगार अधिकार सत्याग्रह का आयोजन बालसन चौराहे पर 11 बजे से किया जाएगा।